अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय व्लॉग जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने मेहंदी लगवा ली है और ये साथ की, और ये एक साथ की तो उतर गई है। और ये जी शाल की मेहंदी है, वो भी दिखाती हूँ। शाल दिखाओ अपनी मेहंदी, इधर 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 इधर, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये जी शाल के हाथों की मेहंदी है, पारी पारी सी ये है। और दूसरे हैंड भी दिखाओ, ऐसे करके ऐसे हैंड करो ना। ये जी तो मेरी बेटी बड़ी पारी लग रही है। ये मकायल साहब जो है ना, जीना हराम किया दे रही हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? हम लोग कर रहे हैं जी मेहंदी की तैयारी, तो मैं पहन के जा रही हूँ साड़ी हाँ, ये तो मावरा मान गया, हम कर रहे हैं मेहंदी की तैयारी और पहन के जा रही हूँ साड़ी। साड़ी हाँ। तो बस ये अभी नेल पेंट रह गया, तो अभी तक ये आईब्रोज नहीं हुई, बस ये कह के आईब्रोज रह गई है। तो साथ साथ आपसे ब्लॉग शेयर करती रहूंगी, तो हमारे साथ भी बने रहना और हमारी वीडियो को यार लाइक किया करो, शेयर किया करो और यार, प्लीज ताकि सब्सक्राइब भी कर दिया करो सब्सक्राइब भी यार। कर दिया करो। आप लोग कलीमा का तेरे मियां गाने सुन रहे थे, मैं गई हुई थी मेहंदी लगवाने के लिए और बड़ी तो खूबसूरत लग रही है मेहंदी यार। गिरेगा तो मेहंदी रे मकाय साहब को देखो जरा, कटिंग साथ कटिंग कटिंग कराइए छूटू की, और बार बार अपनी मेहंदी दिखाएगी, बहुत प्यार लग रही। साइड पे जो भैया खाप कर देखो। मिकायल के पापा को लगा लग गया यार। हाँ, ये मेरे बाल खींच रहे हैं। मकाय को कपड़ों पे मेहंदी लग गई है सारी, और मन का चलो खैर है। चले जी, मैं साथ साथ आप लोग को सिर्फ व्लॉग शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मामा ने भी मेरे पास तैयार होना है, तो मैंने खुद भी तैयार होना है। मिकाइल मेरे बाल तो छोड़ देना, ये होते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है जी, अभी रेंग जाएंगी गाड़ी लेने के लिए, तो मामा भी आ रही हैं। तो ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये शाल है, शाल ने पहला प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ है, और मामा आगे बैठी हुई यार। मैं ये साड़ी पहनी हुई है, मैं अभी वहाँ जाके आपको और मेरा भी वीडियो, सबको प्यार भरा सलाम। और इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो शेयर करेंगे आपसे जी। ठीक है, क्यों मामा? सबसे डिफरेंट हमजा का डांस है, ड्रामा एक्टर आता है बिल्कुल उसकी तरह से पापा ने पहचाना ही नहीं है। यहाँ पे भी कमजोर है, वहाँ पर भी हमको कहते बच्चे कहाँ मोटे हो गए, ये बहुत हेल्दी का ना, ये तो एकदम से कमजोर हो गया है। असीब असीब पाचना ठीक है, वो पता चल रहा असीब है। हाँ असीब बहुत वीक था, असीब ऐसा था ना, मुझे पता मैंने देखा। अच्छा नहीं, मुझे बाहर ना बहुत कमजोर था मामा, कुछ काटे लाख लाख भोजन लाख लाख पानी जो होता है ना, जगह का कूद ही करता है। अच्छा जी, हम लोग वापस आ गए थे मेहंदी से, और मैंने मेकअप देखे कैसे रिमूव किया जल्दी जल्दी, मैं बस नेल पेंट भी लगाए, बहुत लेट हो गए थे। आपसे मेकअप का भी व्लॉग भी शेयर नहीं कर सकी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। मामा आ गई, आई लेट, फिर मेरी मेहंदी लग रही थी, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं आपसे मेहंदी का मेकअप सारा शेयर करती, लेकिन मैं पिक्चर्स वगैरह लगा दूँगी, कुछ वीडियोज़ हैं। तो बस मेरी आज जल्दी जल्दी में हम गए रात को इस्लामाबाद में डेरा डारी, कोई बहुत ऊपर जाकर ही 11 से भी आगे जाकर मार्केट थी, वहाँ हम लोग गए हैं। तो इतना 1.5-2 घंटे का तो रास्ता था, तो
इसलिए मैंने कोई भी सही इस दफा का भी का वो व्लॉग डाल ही नहीं सकी। बस वही जो डांस की वीडियोस थी लड़कियों की नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि आपको पता है फैमिली प्रॉब्लम। तो जो लड़कों की वीडियोस थी वो मैंने ज़रूर डाली है अपनी व्लॉग में। तो मैंने मेकअप रिमूव किया, बच्चों को सुलाया, ये रहीम सो रहे हैं बच्चे, और दोनों ये बच्चे सो रहे हैं और मैं भी जाग रही हूँ। मैं बस लेटने लगी थी, रात के बज रहे हैं 3 और आपको पता आते आते टाइम लगता है बस। और ऊपर से मार्की के अंदर मतलब ना वो ओपन एरिया था, एक तो मार्की के अंदर उतर उन्होंने सारा बाहर का सेटअप किया हुआ था मेरे मामू ने। तो ऐसी ऐसी जाप ठंड थी, ऊपर से मैंने साड़ी पहनी थी, ऊपर से मैंने हाफ बाजू पहने हुए थे। जो मेरी बैंड बजी ना पूछो यार। तो इसी वजह से मैं व्लॉग क्या शेयर करती हूँ, मुझे मिकायल ने इतना तंग किया हर बार की तरह, इतना तंग किया कि मैंने कहा इससे बेहतर मैं व्लॉग ही ना डालूँ। जो पिक्चर्स थी मेरी कोशिश थी कि चलो कुछ ना हो सके मैं पिक्चर्स तो बना लूँ, लेकिन जो जो पिक्चर्स होंगी वो आप सबसे मैं शेयर करूँगी। जो जो वीडियो मैं बना सकी हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी मैंने हीटर लगाया हुआ है, हीटर के आगे बैठे में सख्त किस्म की ठंड लगी हुई है। और मिकायल मुझे लगा कि होटल में रहे, मैंने उसको ज़्यादा कपड़े ना पहनाना। मैंने भी एक स्वेटर नीचे हाइनक और जीन्स बनाई थी, इसको सियाल को भी मैंने फ्रॉक बनाया हुआ था। तो मुझे तो नहीं पता था कि ओपन एरिया में मतलब इस तरह मेहंदी है। यार बहुत ठंड थी, ऊपर से थी हीटर का सिस्टम था पर वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेंडर यूज़ होता है उनके अंदर, तो उनके में ये वाली गैस में उनमें फ़र्क होता है, तो इसी वजह से बस। तो नीमा 5 तारीख हुआ है, तो वो व्लॉग आपसे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और तो व्लॉग तो आपसे शेयर करती रहूँगी। और यार अगर व्लॉग अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलो, या मुझे सपोर्ट करो ठीक है। आप लोगों के लिए देख लो, रात को 3 बजे मैंने कहा वीडियो एंड हो जाए, मैं एंड करूँ फिर मैं सोऊँ, तो बस ये वीडियो अपलोड करके फिर मैं सोने लगी हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।